मैं आपने अध्यक्ष भैया हो बाबा बाबा शांत हो जाओ बाबा शांत हो जाओ अध्यक्ष महोदय आपका आदेश था तो बस ये दिल दिया है जहां भी देंगे वतन तेरे लिए आज ऐसा ऐतिहासिक दिन है श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद कोटि कोटि नमन हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कि आज ऐतिहासिक दिन में आपने मुझे बोलने का अवसर मिला और आपके सानिध्य में और आपके आशीर्वाद से ये ऐसा अद्भुत अद्भुत बिल पास हो रहा है ना कि एकदम बुझी आ रहा हो कि कहला ना गदगदा गई बात अन आम कम बैक एक है जो मेरे मन में बड़ा थॉट था अध्यक्ष जी की हमारे बच्चों को मेरी भी बेटियां हैं मैं हमेशा चाहता था कि मेरी बेटियां डिफेंस कैसे करेंगे पापा साथ में नहीं है तो स्कूल कॉलेजेस में या स्कूल में वेर एवर एक ही कंपलसरी हो जाए जैसे चाइना में है इसराइल में है 6 महीने के लिए और उससे मिलिट्री ट्रेनिंग कहें हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा अगर बच्चे हमारे विदेश की यात्रा पर कहीं वहां फंस गए तो डिफेंस कर सके हेल्थ वाइज उनके लिए अच्छा रहेगा और अगर कभी आतंकवादी हमला हुआ या हमारे देश पर बाहरी हमला हुआ तो हमारे बच्चे भी इस देश में तैयार रहेंगे और एक राष्ट्रहित की भावना भी हमारे बच्चों में जगेगी ड्रग से शराब से गलत चीजों से भी दूर रहेंगे 6 महीने की भले एक कंपलसरी ट्रेनिंग हमारे देश में आ जाए और ये आप हैं तो जरूर मुमकिन है मोदी जी हैं तो मुमकिन है ये बहुत अद्भुत सा एक हमारे बच्चों के लिए आशीर्वाद होगा और हमारे देश में एक राष्ट्रहित की भावना जागेगी धन्यवाद श्री बीबी